गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री स्टाइल आर्टिस्ट सौरभ। आज मैंने जो 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन करूंगा वो मैंने करने के लिए 3D स्प्रे मशीन यूज़ करूंगा। 3D स्प्रे मशीन बोले तो जो एयर कंप्रेसर मशीन है वही 3D स्प्रे मशीन है। मतलब जो स्प्रे मशीन में यूज़ करता हूँ उससे मैंने 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन करता हूँ। तो गाइस इस वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन का ट्यूटोरियल देखिए और किस तरह से कर रहा हूँ वो देखिए। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो गाइज अभी जो मैंने वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन करूंगा उस वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन का बैकग्राउंड था स्काई ब्लू कलर के ऊपर मैंने डीप ब्लू और व्हाइट और ब्लैक कलर लेके मैंने स्प्रे किया हूँ और स्प्रे करके मैंने इस तरह से बैकग्राउंड का रेडी कर चुका हूँ। इस तरह का बैकग्राउंड मैंने रेडी कर चुका हूँ और इसके बाद मैंने कलर पेंसिल से अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। जो बम्बू ट्री है उस ट्री को मैंने कलर पेंसिल से ड्रॉ करना हूँ और ड्रॉ करने के बाद वो मैंने कलर कॉम्बिनेशन करूँगा। और कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए मैंने अभी येलो डीप ग्रीन और लाइट ग्रीन लिया हूँ और लेके मैंने कलर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ। जो बम्बू ट्री है उसका कलर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ और उसका कलर कॉम्बिनेशन हो जाने के बाद और भी जो दो पीकॉक है इस वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन के पीकॉक है उस पीकॉक को कलर कॉम्बिनेशन करूँगा। और ये जो 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन है ये 3D स्प्रे मशीन यूज़ कर रहा हूँ। स्प्रे मशीन बोले तो जो एयर कंप्रेसर मशीन है वही मैंने यूज़ कर रहा हूँ। उसका एक मैंने ट्यूटोरियल दूंगा किस तरह से मैंने स्प्रे मशीन को ऑन करता हूँ और किस तरह से मैंने स्प्रे करता हूँ वो मैंने एक ट्यूटोरियल आएगा जल्दी आएगा मेरे चैनल पे। और अभी जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ जो बाम्बू ट्री का पहले मैं एक कोट डीप ग्रीन देता हूँ उसके बाद मैंने लाइट ग्रीन से थोड़ा शेड देता हूँ और उसके बाद येलो से डिटेलिंग करता हूँ। और ये जो बम्बू ट्री है उस ट्री को बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा वॉल है और इस छोटा वॉल पे वो जो ट्री है उस ट्री को अच्छे से डिटेलिंग से करना ज़रूरी है, नहीं तो वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा और 3D नहीं होगा। इसलिए बहुत ही डिटेलिंग से मैं कर रहा हूँ इस डिज़ाइन को। और अभी लगभग ट्री हो चुका है उसके बाद मैंने थोड़ा येलो कलर से डिटेलिंग कर रहा हूँ। बोला था येलो कलर से डिटेलिंग करूँगा और अभी मैंने येलो कलर से डिटेलिंग कर रहा हूँ। जो बम्बू ट्री है उस ट्री का मैंने डिटेलिंग येलो कलर से कर रहा हूँ। और उसके बाद गाइस जो पीकॉक है पीकॉक का जो बॉडी पार्ट है उस पार्ट को मैंने कर रहा हूँ। डीप ब्लू लिया था और जो पीकॉक का जो बॉडी पार्ट है उसका येलो दिया था और अभी मैंने जो ऑरेंज और रेड देकर थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ। और लाइट ग्रीन नीचे का पर्सन जो पेखम होता है उसका वो लाइट ग्रीन दिया था और लाइट ग्रीन के ऊपर मैंने थोड़ा डीप ग्रीन ऑरेंज और ब्लू इस तरह का कलर देके मैंने डिटेलिंग कर रहा हूँ। और किस तरह से मैंने डिटेलिंग कर रहा हूँ वो अच्छे से देखिए। तो आप आपका घर में ट्राई करना चाहते हो इस तरह का वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन, आप थोड़ा बहुत आर्ट जानते हो तो इस तरह का डिज़ाइन आप कर पाओगे। तो डिज़ाइन को स्टेप बाय स्टेप देखिए, अच्छे से देखिए, तो अच्छे से देखिए। ज़रूरी है तो वीडियो को स्लो करके देख सके तो देखिए, लेकिन अच्छे से देखिए किस तरह से एक एक पार्ट को मैंने कर रहा हूँ। और अभी मैंने जो पिकॉक का पेखम का पार्ट है उसका डिटेलिंग कर रहा हूँ। ये एक सीढ़ी का वॉल है जो इस वॉल का जो छोटा सा वॉल है, लेकिन इस वॉल का जो वीडियो में कर रहा था वीडियो करने के लिए मेरा जो ट्राइपॉड है वो कहाँ पर रखूँ ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इतना दूर जो नीचे का सीढ़ी है वहाँ पर रखा था। इसलिए थोड़ा वीडियो का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन आप देखिए इस तरह का डिज़ाइन मैं और भी करूँगा तो मैं ट्यूटोरियल दूँगा, लेकिन ये वीडियो आप अच्छे से देखिए। और इसके बाद जो पीकॉक का जो हर एक डिटेलिंग है, जो पेखम का डिटेलिंग है, आई है और भी ज़्यादा बॉडी पार्ट है वो मैंने डिटेलिंग से कर रहा हूँ। तो वीडियो को अच्छे से देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ इस डिज़ाइन को। आप इस तरह का डिज़ाइन करना चाहते हो तो वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से नहीं देखोगे तो नहीं होगा। और इस तरह का डिज़ाइन आप आपका घर में करवाना चाहते हो तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, तो वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन को देखिए कितना अच्छा हुआ है। इस तरह का वॉल पेंटिंग डिज़ाइन आप करवाना चाहते हो तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप खुद करना चाहते हो, आप थोड़ा बहुत आर्ट जानते हो तो वीडियो को अच्छे से देखिए और देखने के बाद आप ट्राई करो। और इस तरह का वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन का जो ट्यूटोरियल है, आपका कोई भी दोस्त या फ्रेंड इस तरह का वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन थोड़ा बहुत करता है तो उसको आप इस तरह का वीडियो सजेस्ट करो, शेयर करो, वो भी देखेगा, वो भी ट्राई करेगा। तो गाइस इस तरह का वॉल पेंटिंग का डिज़ाइन, 2D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन, 3D वॉल पेंटिंग डिज़ाइन,
3D स्प्रे वॉल पेंटिंग डिजाइन में देते रहूंगा। और गाइस वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ऑल करके रखिए। ऑल करके रखने से मेरा कोई वीडियो आप लोगों को मिस नहीं होगा। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और इस तरह का नया नया वीडियो मैं देते रहूंगा। तो गाइस कीप सपोर्ट मी, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच, चलता हूँ।